गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। सर्वोदय इंटर कॉलेज भूमुजपुर में लगाया गया वैक्सीन। गाजीपुर ब्लॉक सादात के अंतर्गत ग्राम सभा भूमुजपुर में प्रांगण में छात्र एवं छात्राओं रहा उत्सव जैसा माहौल। विद्यालय के प्रधानाचार्य फैजदार सिंह यादव ने बताया कि हमारे यहां कक्षा 6 से 12 तक 250 छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आज 200 बच्चों को वैक्सीन लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नीतू कुमारी एवं शकुंतला एनम, बिंदु सिंह, आशा अंकिता सिंह, आशा कलावती, सहायिका राधिका यादव, आंगनवाड़ी एवं उप प्रधानाचार्य रामजी पांडे, पंकज कुमार पांडे, गणित अध्यापक ब्रजेश कुमार सिंह, सामाजिक विज्ञान अध्यापक रविंद्र प्रताप, संस्कृत अध्यापक मनीष सिंह, अंग्रेजी अध्यापक गौरव मोदनवाल, जीव विज्ञान अध्यापक शीतला प्रसाद, हिंदी अध्यापक शिवदास यादव, परितोष चौबे, अमित पांडे, काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अल्फा एक्सप्रेस न्यूज। जनपद गाजीपुर के सादात ब्लॉक के अंतर्गत सर्वोदय इंटर कॉलेज, जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आपका? दीक्षा पाल। किस क्लास पढ़ती हैं? 12। अच्छा, आप लोग वैक्सीन के लिए आज आई हैं? यस। रजिस्ट्रेशन हो गया? या। किस चीज़ से रजिस्ट्रेशन हुआ आप लोगों का? फोन से। फोन से हुआ? आधार कार्ड से? हाँ। कॉलेज में हुआ है कि हॉस्पिटल गई थी आप लोग? नहीं, कॉलेज में हुआ है सर। कॉलेज में हुआ है। अच्छा, वैक्सीन लगाया जा रहा है कोरोना इसी महामारी से बचने के लिए, तो क्या आप लोग अपने परिवार को क्या संदेश देना चाहती हैं? हमारे परिवार में सबको वैक्सीन लग चुका है। अपने पास पड़ोस के इलाके में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, पढ़ने वाले नौजवान हैं, तो लोग क्या संदेश देना चाहती हैं आप? कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, बताइए कि वैक्सीन जिंदगी का बस एक ही उपाय है बचाने के लिए, जिंदगी को बचाने के बस एक उपाय है वैक्सीन, तो आप लोग वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पे आए हैं? कोई दिक्कत, आप लोग परेशानी घबराहट नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आपके परिवार को लोग लग चुका है? यस सर, हमारे परिवार सारे लोग को लग चुका है। सारे लोग लग चुका है, तो क्या संदेश देना चाहती है अपने सहेलियों को, बताइए? ये भी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचे, एक यही उपाय है आखिरी वैक्सीन, तो आया है हम बच्चों के लिए, तो वो भी लोग लगवाएं, बचे इस कोरोना से। आपका नाम? तनु प्रजापति। हाँ तनु जी, बताइए कि किस क्लास पढ़ती हैं आप? क्लास 11। क्लास 11 पढ़ती हैं। ये तो रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया? कहाँ पे करवाई है? घर से। मोबाइल से? यस। तो वैक्सीन लगवाएंगे आप लोग भी? हाँ, परिवार को लगवाएंगे कि नहीं अपने परिवार में? हमारे परिवार में लग गया। अच्छा, क्या चाहती हैं संदेश देना चाहती हैं पास पड़ोस की सखी सहेलियों को? हमारा यही है कि सब लोग लगवाएं, सब लोग वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचें। आइए, अब मिलते हैं इस विद्यालय के प्रबंधक राजन पांडे जी से। सर, आपके विद्यालय में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं इस कार्यक्रम के अभियान के सफलता की कामना करता हूं और यह एक राष्ट्रीय आपदा है, विश्व स्तर पर है और इसके समाधान के लिए शासन स्तर पर जो भी प्रयास चल रहे हैं उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे कि भगवान ईश्वर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सब पर जो है सबके लिए यह आवश्यक है। मैं सबके जीवन में मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और इस वैक्सीनेशन की सफलता। क्या नाम है सर आपका? गौरव मदनवाल नाम है। तो यहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी है? यहाँ पर हम TGT जीव विज्ञान के पद पर नियुक्त हैं। यहाँ नवनियुक्त है। अच्छा, यहाँ पे अध्यापन कार्य आप लोगों का शुरू हो गया है? जी बिल्कुल। तो आज वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग क्या मोबाइल से हुआ है कि आप लोग अपने हाथ से फीडिंग किया है? नहीं नहीं, मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। कल से ही हम लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य करते आ रहे हैं और आज टीकाकरण भी हो रहा है, चालू हो गया। कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था? लगभग 180 के। अब बच्चे कितना थे? और बच्चे लगभग 280 के आसपास थे। यानी कि लगभग अभी एक दिन और लगेगा रजिस्ट्रेशन करने में और लगवाने में बच्चों को टीका। हाँ, संभवतः एक दिन। अच्छा, बताइए कि लोग क्या संदेश देना चाहते हैं अपने छात्र विद्यालय के छात्र छात्राओं को वैक्सीन के प्रति? मेरा यही संदेश है कि बच्चे, सबसे जरूरी चीज़ है कि आप बच्चे लोग बचाव करें, क्योंकि बचाव ही इसका मुख्य इलाज है कोरोना का। तो बचाव के जो भी उपाय हैं सारे उपायों को क्रियान्वित करते हुए अपना बचाव करते रहें।
यही मेरा धन्यवाद। के प्रधानाचार्य जी से, क्या नाम है सर आपका? हरदार सिंह यादव। सर यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है बहुत जोरों से, कितने लोगों का वैक्सीन में रजिस्ट्रेशन हुआ है? 181 बच्चों का हो गया है और कुल बच्चे हैं 284। आप क्या 284 बच्चे पढ़ते हैं? जी हाँ। 284 बच्चों में कितने का रजिस्ट्रेशन बताया सर? 181 का हुआ है और फिर अभी हो जाएगा। अच्छा, जो छूटेंगे फिर कैसे लगेगा उन लोगों को? अब दूसरे टर्म में उनका किया जाएगा। क्या नाम है सर? रामजी पांडे। अच्छा सर, बताया कि वैक्सीनेशन का कार्य तो बहुत तेजी से चल रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने छात्र छात्राओं को? तो छात्र छात्राएं जो है वैक्सीन करके कोरोना वैक्सीन से कोरोना से लड़ने के लिए इनको ताकत हो जाए और यह जो है भविष्य में स्वस्थ रहे, इनका कोई वायरस का। सर वैक्सीन का कार्य कितने दिन से चल रहा है? चल रहा है इस साल। आपके विद्यालय में कितने दिन से कार्य चल रहा है? आज शुरू हुआ, कल रजिस्ट्रेशन हुआ है। कल रजिस्ट्रेशन हुआ और आज लग रहा है। मैं पंकज कुमार पांडे, गणित अध्यापक। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि सभी बच्चे अपना जो है विद्यालय आएँ और मास्क पहन के आएँ जी, ताकि कोविड की खतरे को जो है उसको कम से कम जो है उसको हो सके। सर बच्चों का लग रहा है सर टीका, ये सर कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? हाँ, लग रहा है? ये 18 से नीचे यानी 15-16 वर्ष, 15 से 18 के बीच में। अच्छा सर, कितने लोग को लग चुका है लगभग? 180 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारे समझ से भी चल रहा है, कार्य प्रगति पर है जी सर।